strong point acting है उनकी story acting and father and son का जो दिखाया relation वो बहुत best है और संजय दत्त का real life incident को showcase किया गया है मतलब हाँ वो real लगा वो कहीं ऐसा नहीं लगा कि झूठ है सब real था और राजकुमार हिरानी का direction कितना मजबूत है वो तो बहुत ही है best बहुत ही awesome है उनकी direction राजकुमार हिरानी is really very great director he makes all films very nice pardon songs are very nice but मुझे last वाला ज़्यादा अच्छा लगा इसमें at last मुझे संजय दत्त को देखने मिला yeah because मैं जानती हूँ he has a very hard work and बहुत झेला है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में and at last he came back मेरा बस चले तो 100 out of 100 दे दूँ five I'll give and मैं अपने पापा को जल्दी जब भी जाना चाहूँगा जब घर जाऊँगा तब और बहुत अच्छी मूवी है दोबारा आप सब लोग देखिएगा और फिर आप खुद रिव्यू देगा अपना कैमरा पकड़ के बहुत अच्छी मूवी है द मूवी शुड बी वॉच्ड बाय एवरीवन राजकुमार हिरानी इज अ मास्टरपीस ऑफ स्टोरी टेलर एंड रणबीर हैज rightly got into the character of Sanjay Dutt you must watch the movie the screenplay the characters like Sanjay the Paresh Rawal Vicky Kaushal all the cast have done a tremendous absolutely excellent excellent is a small adjective I guess the movie deserves a Oscar from Indian cinema I was absolutely numbed throughout the movie the Ranbir Kapoor is a next superstar I guess he has emerged a victorious after a string of flops he has delivered this is a masterpiece movie एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी रणबीर कपूर की तो ऑब्वियसली बेस्ट थी क्योंकि उनका रोल सबसे ज़्यादा था लेकिन बाकी सब एक्टर्स ने भी अपना काम बखूबी निभाया है परेश रावल भी बहुत अच्छे एक्टिंग की थी उन्होंने सुनील दत्त जैसे ही लग रहे थे वो बिल्कुल डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था बहुत ही अच्छा था मतलब इतनी तालियाँ इतनी सीटियाँ मैंने बहुत टाइम बाद किसी मूवी में देखी इतनी अच्छी थी मूवी फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार्स दूंगा और ये भी रिक्वेस्ट करूंगा दैट एवरीवन शुड वॉच इट दिस मूवी इन द वीकेंड इटसेल्फ because this is a movie you should watch full house because you will be able to see tears claps you know you will be able to feel that good experience agar aap monday ko aage se aadhe hall mein dekhoge to utna maza nahi aayega